और साफ सुथरे तरीके से पारदर्शिता से चुनाव नहीं होते तो भाई मंत्री कभी अध्यक्ष नहीं बन सकता था। जो चुनाव पूर्व में होते थे फर्जीवाड़े में होते थे, इसी कारण से ऐसे साफ सुथरे आदमी का नंबर नहीं आया। और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत की सरकार बनी, सहकारिता के तहत चुनाव हुए और पारदर्शी चुनाव की वजह से यह संभव हो पाया। अन्यथा अगर पहले की तरीके से चुनाव होता तो जो थे वही रहते, दूसरे आ ही नहीं सकते थे और जैसा डर आया का चल रहा था वही रहता, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप लोगों को भी पशुपालन में नाराज होने की जरूरत नहीं है, बकरी से बकरी दे दिया आपको और क्या चाहिए, झाड़ से झाड़ दे दिया और क्या चाहिए, केवल जगपुरा और श्रीपुर तो फर्क पड़ा है, इसके अलावा क्या फर्क पड़ा है। लेकिन ये बात कहते हुए मुझे बड़ी खुशी, जब अपना विवरण भाई बत्री आप महसूस कर रहे थे, जहाँ 90,000 लीटर दूध आता था जब चार्ज दिया जब, और आज की तारीख में 2,10,000 का दूध लीटर दूध पर डे आता है, तो इतनी प्रोग्रेस 2 साल के अंदर करना कोई मामूली बात नहीं है। अगर ये तो किसान और पशुपालक तो यहाँ मजबूत थे, लेकिन पहले के लोगों ने प्रयास नहीं किया और भाई बदी ने प्रयास किया तो आज ये नतीजे सामने देखने को मिल रहे हैं। और इतना भव्य आयोजन भी कभी नहीं रखा, आज इतना भव्य आयोजन रखने के पीछे कारण यही है कि उसमें पशुपालक और जो डेयरी से जुड़े लोग हैं वो तो सदस्य है ही, लेकिन दूसरे किसान साथी भी आवे और डेयरी की गतिविधियाँ देखें, अपने कानों से सुने और उसके बाद पशुपालन के क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसलिए इस भव्य सम्मेलन के लिए मैं भाई बद्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी आने की हाँ भरी थी, प्रोडक्शन साहब ने भी हाँ भरी थी, लेकिन और सरकार के कारण संभागीय स्तरीय मीटिंगें शुरू हो गई और आज बीकानेर अक्षमा जाना पड़ा दिल्ली के निर्देश पर, और उसके बाद गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता कल उदयपुर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ नहीं आए। तो वो भी डेयरी के इस प्रोग्रेस को देख कर हुए निसंदेह प्रसन्न जीत थे और यहाँ आने के लिए उन्होंने हाँ भरी थी कि मैं भी उस कार्यक्रम में आऊँगा, तैयारी करो पूरी जोर शोर से। आज ये पूरी तैयारी आई और आप भी बड़े मन से आए हो, इसलिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।